Isn't that making more sense? ठीक है जी, वो कौन सी पावर हो, ठीक है, ये बेस है और ये नंबर हम बनाना चाहते हैं और ये पूरा नंबर रिप्रेजेंट उस पावर को कर रहा है, ठीक है, जो पावर मुझे ये नंबर दे। Is it making sense? Now I can ask a question. For example, मुझे पावर चाहिए 2 एक नंबर है, ठीक है, जो हम कहते हैं कि जी ये अगर हम बेस पर पावर दे देंगे तो हमारे पास 8 मिल जाएगा। इज इट मेकिंग सेंस? बट इट्स नॉट अ गुड नोटेशन बिकॉज़ इट डजंट गिव सेंस एक्चुअली, बट सेंस, ठीक है। सो लॉग, जब मैं ये कह रहा हूं लॉग 82, तो ये एक नंबर है x। कैसा नंबर है x? ऐसा नंबर है कि जिससे अगर मैं 2 की पावर बना दूं तो मुझे लेकिन सर हम बच्चों को ऐसे कह सकते हैं कि एक वे है 2 पावर x इक्वल टू 8 लिखने का, उसको कह सकते हैं ना ऐसे, मतलब एक वे है, यानी एक वे। मेरा नुक्ता यह है कि इफ यू नो एक्सप्लेन all of things, for example, bunyadi things in this term, with this notation, is going to make more sense. And then you say them, okay, you know, come to this notation. It's better to samjhaye to sahi na ho kya. Because asal issue ye hota hai, you know, people even don't understand this object. It's pretty simple object. You know, pata nahi kya hai, kaun si base hai, kaun si power hai, hum hi confused ho jate hain kabhi. Aisa hai kya? इस लॉग को अगर आप इस पावर से रिप्लेस करते हैं, बहुत सेंस है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूं मुझे चाहिए लॉग ए ऑफ एक्स वाई, ठीक है, लॉग ए ऑफ एक्स वाई, और इसका मुझे पता है कि ये किसके बराबर है, लॉग ए ऑफ एक्स प्लस लॉग ए ऑफ, बट हाउ दिस इज ट्रू, हाउ दिस इज ट्रू, ये जो देखिए अगर आप इसको इस शक्ल में देखें तो इट लुक्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट, इट लुक्स आपकी समझ नहीं आती क्या क्या, बट इसको अगर पावर नोटेशन में कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी मैं ये कह रहा हूं कि ये P of A X Y जो है ये बराबर है पावर A X प्लस पावर A Y, इस नोटेशन के साथ ये इसके बराबर, ठीक है। अब जरा वर्क करो,
जब मैं ये कह रहा हूँ, इस तरीके जब मैं ये कह रहा हूँ कि पावर ऑफ टू, यानी अगर बेस टू हो तो एट बनाने के लिए कितनी पावर चाहिए आपको, तीन पावर, यानी यहाँ जो नंबर मौजूद है अगर इस पूरे नंबर को मैं उठा के टू के ऊपर रख दूं तो मेरे पास ये बन जाएगा। अब मुझे बताइए ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ऑल एक्सप्रेशन, इसको उठाकर अगर मैं ए के ऊपर रख दूं, पूरे एक्सप्रेशन को उठाकर अगर मैं ए के ऊपर रख दूं तो मुझे क्या दे देगा, अगर मैं ए के ऊपर पावर रख दूं जी क्या, पी ऑफ ए एक्स प्लस पावर ऑफ ए वाई फॉर एग्जांपल, दैट दिस इज ए रेस्ट टू नंबर्स है क्या, एंड आई कैन ब्रेक इट डाउन, कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं इसको, क्या हो जाएगा, ए रेस्ट टू पावर ऑफ ए एक्स, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, आर वी डूइंग करेक्ट, ठीक है, ठीक है, एक चीज और भी तो करें ना कि दिस इज इक्वल टू एक्स वन, अगर हम यदि ए के ऊपर जब आप ये पावर रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स वन मिल जाएगा, तो ए रेस टू दिस इज व्हाट, सो आई कैन राइट दिस एज वन, ए रेस टू पावर ऑफ ए एक्स टाइम्स ए रेस टू पावर, और ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ऊपर अगर मैं ये नंबर रख दूं तो मुझे एक्स मिल जाएगा, इसका मतलब यही है ना, ठीक है, और इसका क्या मतलब है, ए के ऊपर अगर मैं ये नंबर दे दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, दैट्स योर x एंड दैट्स योर y, सबसे पहले इन सब का नाम रख लेते हैं, मैं कहता हूं पावर ऑफ ए एक्स वाई का नाम मैंने रख दिया जी, ठीक है, और इसका नाम मैंने रख दिया पावर ऑफ ए एक्स का नाम मैंने रख दिया, क्या रखूं, फॉर एग्जांपल एक्स पावर ऑफ ए कमा वाई का नाम मैंने रख दिया, नहीं एक्स नहीं ना, एक्स तो इस्तेमाल कर दिया ना, यू रखने को इसका नाम रख दिया, अब ठीक है, अब यहां से क्या पता चलता है, यहां से ये पता चलता है कि अगर मैं a पावर t कर दूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई, ठीक है, और यहां से पता चलता है कि अगर a पावर u कर दूं x बन जाएगा, और a पावर v कर दूं तो, अब ठीक है, पता चल गया, अब मेरा क्लेम ये है कि अगर a के ऊपर पावर मैं u प्लस v दे दूं, U प्लस V दे दूं तो मुझे एक्स वाई मिल जाएगा, A के ऊपर पावर U प्लस V दे दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स वाई, लेट्स चेक दैट वेदर यू गेट ऑर नॉट,
मैं कहता हूँ ए के पावर दे ऊपर पावर दे दी मैंने यू प्लस वी, तो ए पावर यू प्लस वी इज व्हाट, ए पावर यू अगर एक्स वाई बनाना है तो उस पर पावर यू प्लस बी देनी पड़ेगी। और U क्या चीज है? पावर ऑफ x। और V क्या चीज है? पावर ऑफ y। पावर ऑफ y नहीं, वो पावर जो a को y बना देगी। ठीक है, रीड इट लाइक दैट, नॉट पावर ऑफ x। नो, रीडिंग इट करेक्टली इज आल्सो गुड। सर, वो में से ज्यादा सिंपल फॉर्म दिया हुआ है। किसमें? नहीं नहीं, वो मत बिल्कुल। पर सर यहां कह रहे हैं, मेरा लगता है ये कि इट्स गोइंग टू गिव यू मोर सेंस। एक्चुअली वो लॉगरिथम से वो जो बच्चे लॉग वाली टर्मिनोलॉजी होती ना, उसको बड़ा मुश्किल लगता है। यानी आप लॉग, मेरा लगता ये है, लेट्स ट्राई टू डू इट डायरेक्टली। नोट करिए, मेरे बस में तो आई यूज दिस लेकिन गिव्स मोर लॉगरिथम सर सबसे एब्स्ट्रैक्ट जाता है बच्चों के पास, मतलब नॉर्मल, क्योंकि इसके बैकग्राउंड बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इसकी बैकग्राउंड बैकग्राउंड में आप ये बताइए कि जी यू नो क्या मुश्किलात थी उस दौर में, कैसे करना चाहते हैं। ये फिर वो जब बच्चे हैं ना, अभी गया हुआ बाहर पढ़ना, वहाँ चलिए ये मेरे पास रहे फिलहाल, बाद में ले जाइए या भी ले जाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब सर आपने बेसिक अभी तक जो बताया ना, पहले जरूरत पैदा करो, पहले जरूरत पर उस पर काम करना पड़ेगा। उस पर काम करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। आप उनसे कहें आपके लिए असाइनमेंट ये है, ठीक है, कि आप बैठिए और आप दो लंबे से नंबर देते हैं, कहें जिन मल्टीप्लाई करते हैं 0.000 या बहुत बड़े नंबर दे रही है जी, ये यू नो ये 35,455 और ये 3,04,895। एक्चुअली जब सर हम मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक की डिस्कशन करते हैं ना, तो बच्चे बोलते हैं कि ये मेंटिसा ही क्यों ले रहे हैं, यही पार्ट क्यों ले रहे हैं, मतलब उसको हम फिर एनालॉगी बोलते हैं कि यार ये स्टैंडर्ड मेथड है, उसका बैकग्राउंड नहीं बता पाते हम। उसका बैकग्राउंड नहीं बता पाते हैं। पहले तो आपको उनको साइंटिफिक नोटेशन का समझाइए कि क्यों जरूरी है इस तरह से लिखना, वो ठीक हो गया। आप फिर आप ये बताइए कि भाई आपके पास ये अगर बड़े नंबर्स हों, अगर आप इनको इल का अलजेब्रा करना हो, ठीक है, यू पुट देम इन डिफिकल्टी, गिव देम समथिंग बिग एंड शेयर देम करके दिखाओ, ठीक है, होगा ये। और इस किस्म के 10 एक्सरसाइजेस दे दें आपको, आज आपकी एक्सरसाइज ये है कि ये दो ये 10 लंबे लंबे से सवाल हैं, ये करके दिखाइए, तो पहले ही पूरे हो जाएंगे आप, ये क्या हो गया सर। And then you can tell them कि अच्छा यही 10 सवाल हैं, ठीक है, इनको हम एक मैजिक ट्रिक के थ्रू करेंगे, और वो मैजिक ट्रिक जो है आप इस तरह से ठीक है, अच्छा ये जो है नोटेशन है, और ये मैजिक ट्रिक क्या करेगी, जो इन बड़े बड़े और छोटे छोटे नंबर्स को बिल्कुल छोटे छोटे से नंबर्स में कन्वर्ट कर देगी, और कन्वर्ट करने के बाद जो है you know, you get what you want, ठीक है। अब जब वो जो मेंटिसा और करैक्टरिस्टिक की इंटरप्रिटेशन है ना, ठीक है, वो जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है वो तो आसान है समझना, बिकॉज दैट इज जस्ट पावर। एक्चुअली क्या कहते हैं आप उसको, मेंटिसा कहते हैं, क्या कहते हैं, करैक्टरिस्टिक कहते हैं, वो तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 3×10^23 है, ठीक है, तो 23 जो है इज गोइंग टू बी यू नो आपका जो नंबर होगा इज गोइंग टू बी 23 point something दैट यू सी फ्रॉम टेबल, जी सर, as a 23 point something that so you convert it into a very small you know
मैट्रिक सर, ठीक है, अंदर यू सी रख के दिया इतना बड़ा नंबर इतने छोटे से नंबर में, बाकी रही बात ये, आई मीन इफ यू विश यू नो वी कैन स्पेंड टाइम ऑन दैट बट इट्स गोइंग टू टेक, मतलब सर ये मसला चलता हुआ ही आ रहा है, खत्म होता नहीं, इसको खत्म कर, यही लॉगरिथम कर दे खत्म करें देन दे उसकी 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 डिस्क्रिप्शन ही यू नो बड़ी मजे की भी है, योरसेल्फ फील लाइक ठीक है यार ये ना ही कराओ बच्चों को तो अच्छा है, numerical solution, numerically solve, quadratically, कर नहीं सकते, तो वो जो numerical solution है उसको आपने रख दिया है table, so you have something similar here, ठीक है, you have a problem, ठीक है, you are going to create a problem and then this problem का solution जो है is just putting it in the table, yes, और problem describe करना is a time taking thing, so I think that it's going to take time. So basically, share that thing with you, read it out, if you get trouble, you know, you can discuss it. ठीक हो गया. अब आगे बात ये है कि जी वो जो problem है वो ज़्यादा मेरा लगता है, I'm still of opinion कि this is a good proof. In the sense कि this gives more sense actually. When you are writing this, बच्चे समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ, A के ऊपर क्या पावर दी जाए कि वो x y बन जाए? तो मैं कहता हूँ जी फर्ज कर देते हैं, दी देते हैं पावर, फिर इस पूरे नंबर का नाम मैंने रख दिया, ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि एक बजाय इसके कि ये सारा लिखूं उस वजह से मैंने नाम दे दिया, इसका क्या मतलब है कि एक के ऊपर हम क्या पावर देंगे तो एक्स बन जाए, मुझे नहीं पता ज्यादा यूनाम देंगे, एक के ऊपर क्या पावर दूं कि वो वाई बन जाए, मुझे नहीं पता, मैंने ये नाम दे दिया, एंड देन जस्ट थिंक अबाउट ट्रांसलेटिंग दिस, सो व्हाट इज दिस, ये कह रहा है कि टी जो है, दिस इज टी इज इक्वल टू व्हाट, यू प्लस बी, टी इज यू प्लस बी, सो मतलब ये है कि अगर ए के ऊपर पावर यू प्लस बी होगा, ठीक है, क्वेश्चन इज वेदर आई हैड टी आर नॉट आई, सो यू आर सब्स्टिट्यूटिंग इट, यू गेट एक्स वाई व्हिच इज इक्वल टू पावर यू, यू नो दिस गिव्स सेंस, यू नो गिव इट अ ट्राई, इफ इट इज नॉट मेकिंग सेंस टू यू फाइन, असल में जाएगा हम आदी हो गए उस चीज के, मेरा मतलब ये है कि इस नोटेशन के तहत फॉर एग्जांपल इफ यू हैव रिटन इट, लेट्स ट्राई टू डू इट थ्रू, let's try to do it through what you want. For example, abhi keh rahe log a x y is what? Log a x plus log a y. That's what we do. Ab iski interpretation kya bata rahi hai aapko? Jab aap kahenge na ki ye jo pura number hai na, it's difficult to believe. Ye jo pura number hai na, ये एक पावर है जो कि जब आप ए के ऊपर देंगे तो वो एक्स वाई बन जाएगा, तो वो एक्स वाई बन जाएगा, और हम ये कह रहे हैं कि वो जो पावर आपको ए के ऊपर देनी है ताकि ये एक्स वाई बन जाए, वो पावर है ये, यानी आप ए के ऊपर ये और ये दे दीजिए, यानी ए रेज टू लॉग a of x plus log a of y, they then what you gonna have a raised to log a
इसमें ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन. सही बात है. That notation is much more easy. सर वो उसके आदि हो गए शायद इसलिए. और आप आदि हो गए वो नहीं. अच्छा तो they are fresh minds. वो जो बच्चे आपके पास आएंगे they are coming with a fresh mind. उनको आप जिस चीज का आदि करेंगे वो हो जाएंगे. मेरा नुकता ये है कि आप उनको समझाएं. अगर उनको समझाना हो कि ये अच्छा ठीक है या a to the log x plus log y का क्या मतलब है with the previous notation it make more sense than this. And then you're gonna say that okay you have a raised to log x times a raised to log a by. अब ये क्या चीज़ है? ठीक है? You're gonna say that number which is x. समझाएँ कैसे समझाएँगे x को? और आप उसे कहें y. कैसे? क्योंकि हमें पता है log ax का मतलब क्या है. log ax का मतलब वो नंबर है जिसको अगर मैं a की पावर बना दूं तो वो x बन जाएगा. लिहाजा a को क्योंकि मैंने पावर बना दिया है log ax लिहाजा x में टिकी हुई x है. एंड a को अगर मैं पावर बना दिया है log ay गिविंग दी हमारे जो क्लेम था कि जी a के ऊपर क्योंकि जब हम ये पावर दे देंगे तो we gonna get x y लिहाजा इसका मतलब ये है कि log of a base a of x y is basically this number log a x plus log a plus. This is in my opinion this is much more abstract than what we were. मेरा नुकता ये है पहले आप उस नोटेशन से बच्चों को कंफर्टेबल कीजिए कि दिस दैट थिंग मेक मोर सेंस. And then you say that कि ये अच्छा ठीक है इसके power वो log से replace कर दो log love से replace कर दो. That's it. That's my opinion. You can give a try at least. I have tried it. Whenever I have tried it, it works. मेरा तो दिल में कम था. ठीक है जी. बाद में तो proof आपको आते हैं identities के. A x and a y. ठीक है. फंडामेंटल यही है बाकी सब इसी से ड्राइव होते हैं. रेस्ट आदमी ड्राइव हो गया है. ठीक है. दिस वाज स्क्रिप्ट फॉर द लॉग. आपको अगर आप कहेंगे तो मैं ईमेल कर दूंगा या अगर आप कहेंगे तो आपको प्रिंट दिलवा दूंगा. लॉग पर जो सेंटर का लिखा हुआ बहुत जबरदस्त पीस है. प्रिंट आउट प्रिंट आउट प्रिंट आउट. ठीक है. इज इट मेक सेंस? सो रीड इट आउट एंड वी कैन डिस्कस इट. कुछ पहला साल ही नहीं बता. इज इट मेकिंग सेंस? सो एसेंशियल क्या है? एसेंशियल क्या है? इसका एसेंस एसेंस यही है कि जब आपने ये 10 मुश्किल से प्रॉब्लम्स दिए होंगे ना जो कि आपने शुरू में कहे और जो कहेंगे जी चाहिए तो बड़े मुश्किल से सॉल्व करना. जब आप लॉगरिथम सिखा चुके होंगे फिर उनसे कहें अब इन्हीं 10 सवालों को आप लॉगरिथम से कर सकते हैं. एंड यू गोना सी द डिफरेंस दैट व्हाट ब्लेसिंग ऑफ गॉड यू गोना से थैंक्स टू द कंप्यूटर. थैंक्स टू द कंप्यूटर. ठीक है.